समाचार विगतवार जोईए। धोरण एक में प्रवेश माटे 6 वर्षनी वयना नियम ने लईने महत्वपूर्ण समाचार। धोरण एक में प्रवेश माटे 6 वर्षनी वयनो नियम राखवो के बदलवो तेने लईने निर्णय करवामां आवशे। पहला धोरण में प्रवेश माटे 6 वर्षना नियम ने राखवो के बदलवो ते अंगे निर्णय की जाहेरात कराशे। 2 महीनानी छूटछाट आपवी के बाद वाटिका शुरू करवी ते अंगे आजे निर्णय लेवाई शके छे। प्रवेशथी वंचित रहनार बाळकोने बाळ वाटिकामां अभ्यास करावाशे। नवी शिक्षण नीति ने कारण गुजरातमां अंदाजित 3 लाख बाळको प्रवेशथी वंचित रहेशे, तो बाळको ओछा थता धोरण एकना शिक्षको पण फाजल थई शके छे। शिक्षको अने बाळकोनुं हित जळवाय ते अंगे सरकार वचगाळानो रस्तो काढी शके छे। आजे मळनारी शिक्षण विभागनी बेठकमां आ महत्वपूर्ण निर्णय लेवाई शके छे। संवाददाता मेहुल फोन लाइन पर जोड़ाया छे। मेहुल, धोरण एक में प्रवेश माटे 6 वर्षनी वयना नियम ने लईने जे निर्णय आजे करवामां आवशे, आजे शिक्षण विभागनी बैठक मळवा जई रही छे। बिल्कुल, पहला धोरण में प्रवेश 6 वर्ष का जो नियम है राखो के बदलवो संदर्भ में आज शिक्षण विभाग की महत्वपूर्ण बैठक मळवा जई रही है। 2 महीना की छूटछाट आपी के बाळ वाटिका शुरू करवी ते अंगेनो निर्णय आ बैठक की अंदर करवामां आवशे। कारण के जे पण प्रवेश थी वंचित रहेनार बाळको जे छे तेना अभ्यास जे छे ते थई शके ते माटे आ निर्णय जे छे ते करवो पड़े तेवो प्रमाणे जे छे आ बैठक में जरूरी छे। अने नवी शिक्षण नीति कारण गुजरात में अंदाजित 3 लाख बाळको जे छे ते प्रवेश थी वंचित रही शके छे। अने बाळको ओछा थता धोरण एक ना शिक्षको जे छे ते पण फाजल थाय एटले शिक्षको ने पण नुकसान थई शके छे। के आवी परिस्थिति नी अंदर शिक्षको अने बाळकोनुं हित जळवाय ते अंगेनो निर्णय करवो जरूरी छे। एटले वचगाळानो रस्तो काढी શું નિર્ણય કરવો તેના સંદર્ભમાં આજે જે બેઠક જે છે તે શિક્ષણ વિભાગની મળશે અને તેની અંદર આ સંદર્ભે નિર્ણય કરવામાં આવશે, સમીક્ષા કરવામાં આવશે, જે માર્ગદર્શન સીધું લીધા બાદ અધિકારીઓ સાથે, અને ત્યારબાદ આ સંદર્ભે કોઈ નિર્ણય જે છે તે રાજ્ય સરકાર કરી શકે છે. જી બિલકુલ મેહુલ, જાણકારી બદલ આભાર.